नहीं, देखो तो। माफ करना, जरा वो पढ़ोगी? ओह अच्छा ठीक है। ओ, ये कैसे हो सकता है? हे, पकड़ो। मैं इसे नहीं पकड़ पाया, वो जा रहा है। तुम लोग नोट्स पास कर रहे हो, अब ये मेरा है। अब केविन कभी जान नहीं पाएगा मैं उसे प्यार करती हूँ। पर उम्मीद अभी भी बाकी है। ये साधारण नोटबुक देखो, ये एक सीक्रेट मैसेज पासवर्ड बनने वाला है। घबराइए नहीं, इतने कलर्स किसी वजह से ही है। पर पहले हम इस पूरे को कवर कर देंगे। जब टेप अपनी जगह पर आ जाए तो काला पेंट लें, पेंट ब्रश या फिर रोलर इस्तेमाल करें। बस ध्यान रहे कि इसकी परत गाढ़ी हो। बस हो ही गया। जब ये सूख जाए तो एक नुकीली टिप से जो लिखना चाहे वो लिख दें। और यहाँ पर एक प्यार का मैसेज होगा। कितना सुंदर है केविन, शुक्रिया, पर मुझे बुक तो चाहिए। हाँ? आगे देखो क्या लिखा है बेवकूफ। वो मुझसे प्यार करती है? खैर हम दोनों ही करते हैं, मेरा दिल धड़क रहा है। ये अपनी नोटबुक वापस ले लो। हे, क्या? ये बस मेरी नोटबुक है, देखो। तो फिर ठीक है, बच गए। क्या एक बड़ी हॉट डॉग के साथ केचप से बेहतर कुछ हो सकता है? इतना मेरे लिए बहुत है। लाओ दो। शुक्रिया। गह, हाँ बिल्कुल, और ज्यादा। वो बकवास। तो मैं कहाँ थी? ये तैयार है, मेरे पास आओ। ये क्या था? मेरी शर्ट। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये गलती से हुआ है, मैं इसे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं रो मत। पता नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है तो ट्राई कर लेते हैं। देखा मार्कर पानी में कैसे लीक होता है। अब आई स्प्रे बॉटल की बारी। तैयार हो? अब इस खराब शर्ट का एक मेकओवर होगा। इसे फोक से इस तरह घुमाएं और अपने हाथ से इकट्ठा कर लें। अब रबर बैंड से रैप करें और कलर्ड वाटर स्प्रे करें। इसे मजेदार बनाने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। हर सेक्शन में अलग अलग स्प्रे। लगता है ये हो गया। देखो ये बन गया एक मास्टरपीस। ये पहले से बहुत बेहतर लग रही है। केचप का निशान भी नहीं दिख रहा। लव यू बेस्टी। ये सारा मेरा ही प्लान था। और जब बारी आती है मैथ क्लास की, मिया को सारे आंसर्स पता होते हैं। ओ नहीं, मुझे मत उठाना, मुझे मत उठाना। ओहो, अट्ठाईस? नहीं, हाँ, ये 27 है। क्या ये सही है? एमी, यहाँ, ये 36 है, अगला वाला 36 है। ठीक है, आ गया समझ। ये 33 है। सच में? मैंने कोशिश की। मैं ठीक कर दूंगी टीचर, मुझे बुलाओ। जब यहाँ 9 के मल्टीपल जाते हैं तो तुम्हें बस 10 तक काउंट करना है। देखो, ऐसा ही करें लेकिन उल्टा 0 से 10 तक।
सही होना बहुत बढ़िया लगता है ना? रुको, मुझे अब समझ आया, मुझे इसे लिख लेना चाहिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। वैसे ये ट्रिक सारी टेबल्स में नहीं चलती, लेकिन नंबर के पैटर्न्स बनाना आपको हमेशा मदद करेगा। कभी कभी आपके दिमाग को एक लेक्चर को सहन करने के लिए खाना चाहिए होता है, लेकिन चिप हेल्दी नहीं होते। ओह, ये अच्छे हैं। ये तेज तेज चबाना बंद करो मिया। अगर आप क्रंचीज दिन में खाने वाले इंसानों में से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे छुपा कर कैसे खाएं। इस पैकेट के साइड में से एक पेन या पेंसिल निकालें। अब इसे अपने और अपने पड़ोसी के डेस्क के बीच में लगा लें। क्या इसे मैं हूँ या फिर ये सच में ऐसे खाने में ज्यादा बेहतर है? टीचर ने 10 बजे पकड़ लिया। जब समय है इसे छुपाने का, तो इस बैग को पीछे कर दे और इसके ऊपर एक किताब रख दे। हेलो, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं। मेरा साइन कैसा है? जेक, बहुत प्यारा है ना? मैं बस गुब्बारे फुला रहा हूँ और थोड़ा डिजी हो रहा है, बस हो गया। जेक, देखो तुमने क्या किया, मेरा इतना सुंदर साइन खराब हो गया। घबराओ मत। अगर हम कुछ नया बनाए तो एक गुब्बारा और कैंची ले, गुब्बारे के टिप को काट दे और नीचे का हिस्सा भी। देखा, मिलते हैं। प्लास्टिक कप याद है? इसे पानी से भर दे, 3/4 बहुत है। अब कप के ऊपर गुब्बारा लगा दे और हो गया। हे, मैंने कर दिया, अब इसमें से और पानी नहीं गिरेगा। देखा, और देखा जाए तो तुम्हें फुला शावर मिलने वाला है। जीक, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। वूप्सीज, मुझे इसे दोबारा ट्राई करना होगा। तुम्हें लगता है मेरे बाल खराब करना मजाक है? तुम्हें ये कैसा लगा? और ये ठंडा भी है, मैं भी कर सकती हूँ दोस्त। और ये डॉग की तरह अपने आप को सुखा रहा है। मेरा काम यहाँ पूरा होता है, अब मुझे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। मुझे इनमें से किसी का भी आंसर नहीं पता और किसी का नजर भी नहीं आ रहा। केट पक्का पढ़ कर आई है, ये तो बहुत बुरा है। क्या हम कैलकुलेटर्स भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं? शुक्र है मैं याद से अपना लेकर आया हूँ। मेरा टीवी रिमोट यहाँ क्या कर रहा है? मुझे याद है मैं फोन पर बात कर रहा था। और मैंने गलती से रिमोट उठा लिया, बुरी किस्मत है। रिमोट कहाँ से आया? मैं गलती से ले आया। क्या तुम्हें स्पेशल ट्रिक पता है? 144 का स्क्वायर रूट चाहिए। पहले आगे के दो नंबर लें और उन्हें 2 में ऐड करें, तो आपको मिला 16। आखिरी डिजिट ना भूलें, इसे 16 में से सब्ट्रैक्ट करें और बूम, कैलकुलेटर किसे चाहिए, है ना? तो अगर मुझे 81 का स्क्वायर रूट चाहिए हो, तो पहले मैं 8 और 2 को ऐड करूंगा, जिससे मुझे मिला 10। और अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, 9। शुक्रिया के, क्या प्रैक्टिस थी दोस्तों, बेहतर लग रहा है। रुको, मेरे पास नोटबुक वगैरह कुछ है? यहाँ, मुझे वो लिखने वाली चीज चाहिए, पेन। हाँ बिल्कुल, नहीं यहाँ नहीं है, अब मैं क्या करूँ? हे स्मार्ट गर्ल, यहू मैं। हाँ, मुझे पेन मिल सकता है? ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये रहा। वाह, शुक्रिया। ये टूटा हुआ है। हे स्मार्ट गर्ल, ये वाला खराब है, मुझे दूसरा मिलेगा। ध्यान दो ना। वाह, एक बार में दो। ओ, ये कैसे हो सकता है? ये लो,
लो ये वाला लो। उसने इसके रिसेट रखी होगी। स्मार्ट गर्ल, ये मेरा आखिरी पेन है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ये जूस बॉक्स काम आएगा, शायद स्ट्रॉ मदद करे। ये चलेगा। एक पेन खोले, इंक ट्यूब के बिल्कुल नीचे ग्लू लगाएं इस तरह। अब एक स्ट्रॉ लें और इंक ट्यूब उसके अंदर डाल दें बिल्कुल नीचे ग्लू तक। ये पेन स्ट्रॉस की तरह दिखते हैं और इन्हें कोई नहीं मांगेगा। वाह ये कितने कूल है, मुझे पेन मिल सकता है? ये स्ट्रॉस है, माफ करना। ठीक है। हे ब्रो, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। अपना अपना टेस्ट अच्छे से करना, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मुझे सारा आता है। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता, मैं हार्ट अटैक आने का नाटक करूं? ना, ये बेकार है। क्रिस, बातें नहीं। ओह सॉरी मिस। हे मैडिसन, क्या? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगा। तुम्हें पता है मुझे कैंडी कितनी पसंद है। ठीक है, ये लो। शानदार, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये आंसर्स, ये ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आंसर्स मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो ये आया सच में? ये कछुए में जाएगा। इसने किया? नहीं, इसने किया ना। झूठा, ये कैसे बच्चे हैं? मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे हे, अब क्या? ये कैंडी बार देख रही हो, ये कैसा रहेगा? हाँ तो डील रही। हम ये करें कैसे? समझ गए, मुझे पता है। एक नोटबुक खोले और बुक के बिल्कुल कोने तक टेप के स्ट्रिप्स लगाएं। इसे पूरे पेज पर लगाएं। अब एक स्पॉन्ज ले और इसे छोटे पीसेस में काटें। एक पीस हाइलाइटिंग पेन पर लगा दें। अब आपके पास कुछ भी मिटाने के लिए इरेजर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, तुम्हें आंसर्स चाहिए? ये देखो। तुम क्या कर रही हो? रुको, अब ये देखो। वाह शुक्रिया, मुझे लगा मुझे आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। वहाँ क्या चल रहा है? ओ, कुछ भी नहीं मिस। देखो, मेरा भ्रम होगा। बाल बाल बचे। हे, मुझे कैंडी बाज दो। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। मुझे सो जाना चाहिए था, पर मैं गेम बंद नहीं कर पा रही। चलो भी, बस हो ही गया। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। सात बज गए, मैं कितनी देर से सो रही थी। मेरे पास और 5 मिनट है। उठने का समय है। क्या सच में उठना होगा? चलो भी, हमें चलना होगा। पर मुझे बहुत नींद आ रही है, काश मैं वापस सो पाती। मैं क्या करूं? एक सेकंड रुको, मैं एक केचप इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा बस अपनी नाक के नीचे लगाऊंगी और ये काम कर जाएगा। बढ़िया, डैड वापस आ रही है, अब इंतजार करते हैं। मेरी नाक। क्या ये मैंने किया? ओह मुझे माफ कर दो, बहुत जोर से लगा, ये गलती से हुआ है। रुको, लगता है वो फंस गए। तो चलो, ये सारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लेगा। ये बूढ़ा आदमी इतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं। हाँ, काश नाश्ते में इसकी जगह कुछ और होता। मॉर्निंग डार्लिंग, खाने के साथ खेलो मत, इसे खाओ। नाश्ता दिन की सबसे जरूरी चीज होती है और तुम्हारे पास खराब करने के लिए समय नहीं है। स्कूल के लिए लेट मत हो जाना। हाँ हाँ हाँ, अब वो क्या कर रही है? बाहर ठंड है, तुम ये हैट पहन लो। मॉम, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। अपना स्कार्फ मत भूलना। मॉम, मैं बच्ची नहीं हूँ।
ये बहुत बुरी बात है। तो चलो, ये रहा तुम्हारा बाग स्वीटी, चलो स्कूल चले। मुझे हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करती है। हेलो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं स्कूल से निकलने के लिए ये जेलेटिन इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये काम आएगा। मैं इसे अपनी सीरियल में डाल लेती हूँ, इतना काफी होगा। मैं इसे इसमें मिक्स कर लेती हूँ, जो भी करना होगा। कितना बकवास लग रहा है, परफेक्ट। बस हो ही गया, मजा आएगा। ध्यान रखना जरूरी है, मामा आ रही है। अब नाटक शुरू करते हैं। डार्लिंग, तुम ठीक तो हो? ओह नहीं, बेचारी बच्ची, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है मॉम। चलो, ये काम किया। हाँ, रास्ता साफ है, जल्दी खोलो इससे पहले कोई आ जाए। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हें पता है ना? इधर दो। हे, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, स्ट्रॉस के होते हुए जादू की चाहिए। इन्हें साथ में लगाते हैं। पहली दो तो हो गई, अब बाकी लगाते हैं। हाँ, ये लंबी होती जा रही है, और ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा और, ये काम कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये क्लास बहुत बोरिंग है। ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, ये टेस्ट में भी आएगा। मैं सब लिख लेता हूँ। ओह नहीं, शुक्र है मेरे पास इरेजर है। बिल्कुल नहीं जैसा। और कितना बोर होंगी, ये क्लास कभी खत्म ही नहीं होगी क्या? उप्स, मैंने पेपर में छेद कर दिया। और ये पूरी नोटबुक के बीच से गया है। मुझे पेन ही रख देना चाहिए। अब इस इरेज़र की बारी है। इधर आओ, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ। ये असली इरेज़र नहीं है। मैंने इरेज़र लिया, पेपर निकाला और एक चाकू लिया। फिर मैंने एंड्स हटा दिए, दोनों एंड्स ही हटाए। और फिर थोड़ी ग्लू ली और इरेज़र के एक तरफ कोने पर लगाई। और फिर मैंने इसे रैपर में ही लगा दिया। जब ग्लू सेट हो गई, तो मैंने इस रैपर में नट्स भरे। ये छोटे हैं ना, तो ये फिट भी हो गए। और फिर मैंने इरेजर का दूसरा हिस्सा रैपर पर लगा दिया। और इसी तरह मैंने एक छोटा सा स्नैक पाउच बना लिया। देखा, ये दिखता तो इरेजर की तरह ही है ना, लेकिन ये लो कैंडी खाओ। हे, हमें भी कैंडी मिल सकती है? खैर ठीक है, मेरे बारे में मत भूलना। ठीक है, ये लो। एक सेकेंड, लाओ इधर दो। अरे यार, मेरे नोट्स। ये बुरा हुआ, वो मेरा नकली इरेजर ले गई। पर देखो, मेरे पास एक और है। ठीक है एमी, अपना फोन देना होगा इससे पहले कि तुम टेस्ट स्टार्ट करो। कितनी अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है, अब मुझे बाकी दे दो। मैं कैसे पता था? अगर आपकी टीचर आपकी सारी चीट शीट्स ले ले, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये वाली भी। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये ले जा पाओगी? अच्छा लिप शायद। ठीक है केविन, अपना फोन दे दो। या मुझे कुछ और जानना है? नहीं, मैं कभी चीटिंग नहीं सोचूंगा। मैं बस अपना सोडा लाया हूँ। अगर आपको अपनी चीट शीट को कहीं छिपाना है, तो सोडा की बोतल को उल्टा करें, फिर एक तेज मार्कर से प्लास्टिक के ऊपर अपने फॉर्मूलाज लिख लें। पर ये फॉर्मूलाज इतने लंबे, टीचर ये कैसे नहीं देखेगी? क्योंकि जब आप बोतल उल्टी करेंगे, तो सोडा इसे कवर कर लेगा इस तरह। तो जब आप एग्जाम दे रहे हो, आप एक पुरानी सोडा बोतल पे भरोसा कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। ओहो, ग्रेड्स दोबारा आ गए। वैसे ये तभी होता है जब आप अपनी चीट शीट पर भरोसा कर रहे होते हैं, या फिर छुपी हुई। किसने कहा अलजेब्रा इतना मुश्किल होता है?
हमको शेयर करना चाहिए है ना केविन? हाँ, पर मैं अपने ड्रैग को कवर तो कर लूँ। अब तुम इसे देखोगी? नहीं देख सकती। तुम्हें मजे की बात पता है, एक फैशन प्रैंक। ये तुम्हें ग्लू लग रही है ना? हे लूना, तुम्हें ग्लू स्टिक्स पसंद है? ये सेफ भी है। लुक, इस ट्रिक के लिए एक ग्लू स्टिक ट्यूब खाली करें। अब एक चीज का ब्लॉक लें और स्टिक से इसमें स्टैंप लगाएं। चीज हटाएं और ये बन गया आपके लिए चीज डिस्पेंसर। कितना असली लग रहा है ना? ओ चलो भी, तुम ट्राई क्यों नहीं करती? ठीक है, तुम कहती हो तो। इसका टेस्ट तो बिल्कुल चीज जैसा है, क्योंकि एक चीज ही है बेवकूफ। हम में से किसी किसी की बहुत बुरी आदतें होती हैं। ये दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है ना? एक और बाइट। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। याइक्स, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है लिजी। ये चबाने के लिए नहीं होते, सोचना भी मत। मेरे पास तो एक आइडिया है, आप एक सेकंड में समझ जाएंगे। एक पैन ले और कुछ मार्शमेलोज, इन्हें साथ में लगाएं। अब देखना, इसे चबाओ लिस। बाय प्लास्टिक, मेरे पास नया पेन है। चलो इसे ट्राई करें। हाँ, प्लास्टिक से तो बहुत स्वाद है। अच्छी सोच है लूना। ब्लू ह्यूज थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। मैं बनाकर देखती हूँ, पर मेरी भूख मुझे फोकस नहीं करने दे रही। लंच एक घंटे बाद है। क्या ही मेरे पेट से आ रहा है? तुम अपना मुंह बंद रखोगी? जी मैम। मुझे पता है ये गुड़गुड़ कैसे बंद होगी। मुझे थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। यम, सबसे पहले स्टारबस्ट खोलो आराम से। क्लास में कोई कैंडी नहीं, ये काम नहीं किया। मैं कैसे करूं? मुझे पता है, ये रहा हल। एक साधारण पेंट पैलेट लें, ब्लेड से कलर्स निकाल लें, कैंडी खोलें। हम पहले येलो वाला लेंगे, इसे हाथ में प्रेस करें और बॉल में रोल कर लें। परफेक्ट। अब अपनी पैलेट तैयार करें, खाली जगह पर कैंडी लगाएं, अपनी उंगलियों से स्पेस को भरें। बहुत ही बढ़िया, अब आएगा मजा। ऑरेंज मेरा फेवरेट है। एक क्विक बाइट। ये हुई ना बात, वहाँ क्या चल रहा है? मैं अपना स्काई पेंट कर रही हूँ मिस। अच्छा है ना? लगता तो है। बाल बाल बची, उनके आने से पहले खत्म कर लेती हूँ। हाँ, हम आखिरकार ब्रेक ले सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे अब बचा हुआ खाना है। मैंने कल रात को सबसे स्वादिष्ट सूप बनाया था। बस एक बाइट और तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। ओह हाँ, ये अच्छी चीज है। चम्मच यही कहीं था। एक फोक। मैं सूप इससे नहीं पी सकती, मैं पक्का चम्मच लेकर आई थी। कुछ भी, शायद आज कोई सूप नहीं पीने वाला। कम से कम मेरे पास जूस है। ये भी खत्म हो गया। ये लंच तो घटिया होता जा रहा है। ये कप पेपर से बना है ना? और मेरे पास फोक भी है। चम्मच चाहिए? पेपर कप के नीचे का हिस्सा काटे
और कोने से फोक को घुसाएं और नीचे भी ले जाएं। और इसी तरह अब हम सूप पी सकते हैं। ये सच में बहुत मजेदार है। और पता चला मैं क्लासरूम और रसोई दोनों में माहिर हूँ।